ओके तो भाई लोग, थॉर लव एंड थंडर के बारे में बात करते हैं। टेंशन मत लो, कोई स्पॉइलर नहीं है। जैसा कि हमें टाइका वाटिटी से उम्मीद थी, मूवी काफ़ी फनी है और फनी मोमेंट्स को इमोशनल बनाना कोई उनसे सीखे। मूवी की पेसिंग काफ़ी फास्ट है, पता नहीं चलेगा कब 2 घंटे गुजर गए। फर्स्ट हाफ लिटरली बहुत फनी है और सेकेंड हाफ उससे भी ज़्यादा। और लिटरली क्रिश्चियन बेल काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग और उनके अंदाज ने हमें जगह जगह पर डराया ज़रूर। पर मुझे मूवी में कुछ कमियाँ भी लगी। कॉमिक्स में गॉर द गॉड बुचर काफ़ी पावरफुल था, उतना पावरफुल हमें एमसीयू में नहीं दिखाया गया। और हमें मूवी के एंडिंग में काफ़ी अच्छा ट्विस्ट देखने को मिला जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी थी, फनी थी, इमोशन से भरी हुई थी और सबसे बड़ी बात, हमारे थॉर की आखिरी फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं थी।